नमस्कार दोस्तों, मैं अनोन प्रयागी अभिषेक शुक्ला प्रयागराज से। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज के आसपास काफ़ी सारी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत जगहें हैं, तो उन्हीं में से एक जगह पर आज हम जा रहे हैं। प्रयागराज से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित बेहद प्राचीन खूबसूरत और धार्मिक स्थल प्रभासगिरी पर्वत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा स्थान जहाँ प्रभास नाम का पहाड़ है। यह क्षेत्र कौशाम्बी के पभोसा गाँव में स्थित है। यह स्थान जैन धर्म के लिए उनकी तीर्थ स्थली है, साथ ही अन्य लोगों के लिए यह बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है। इस स्थान के बगल में यमुना नदी का प्रभाव है, जो कि कौशाम्बी से बहते हुए प्रयागराज। अरे कैमरा गुरु, अरे लगवा लिए है। हाँ, रिकॉर्डिंग होता है इसे। हाँ, चला दुआ। रिकॉर्ड हो रहा है। ये लो भाई, अननोन प्रयागी यूट्यूब पर। अच्छा, अननोन प्रयागी। अरे जो अपना लड़ गए आपस में क्या भैया, साइड दे दीजिए, हम लोग निकल जाएं। यहाँ पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, छोटी गंगा बन गई है। ए, अरे चाचा, नमस्कार दोस्तों, मैं नोन प्रयागी अभिषेक शुक्ला प्रयागराज से। आज हम आ चुके हैं प्रयागराज से लगभग 70 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिले में। कौशाम्बी जिले में श्री प्रभासगिरी प्रभोसा नाम का एक पर्वत है, जो कि प्रभोसा गांव में है। तो आज हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे और आज आपको बताएंगे कौन कौन सी यहाँ पर देखने लायक जगहें हैं और किस तरह का ये पर्वत है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ का कुछ सीन इस तरह का है। इधर भी ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी पहाड़ी नहीं है, छोटी सी पहाड़ी है, लेकिन काफ़ी रोचक है, यहाँ पर देखने लायक है। और हमें पहाड़ पर चढ़ने के लिए इधर से सीढ़ी बनी हुई है, एक सीढ़ी इधर से बनी हुई है, और वो जो पहाड़ दिख रहा है हमें, उधर से भी एक सीढ़ी बनाई जा रही है। अभी वो कंस्ट्रक्शन में है, इसलिए उधर से लोगों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। और इधर से जो सीढ़ी है, हम लोग इस सीढ़ी पर चल करके पहाड़ पर पहुँचेंगे और आपको दिखाएँगे क्या क्या वहाँ का सीन है। चलो, अभी हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं। और अंकित आ जाओ यार, फ्रेम में आ जाओ, दूसरा अंकित आ रहा है फ्रेम में। तो काफ़ी लंबी स्टेप्स हैं और लगभग 300 के आसपास जो है यहाँ की सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है। तो चल रहे हम लोग धीरे धीरे, आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं, काफ़ी प्यारा ऊपर का व्यू है। ऊपर आने के बाद ऊपर का व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देता है। चारों तरफ जो है बड़े बड़े चट्टान हैं और पीछे जो है काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, फोटो ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। और एक पहाड़ी यहाँ की ये है जिस पर मैं भी खड़ा हूँ, एक पहाड़ी उस साइड है जहाँ पर भी हम लोग जाने वाले हैं बाई रूट।
पहाड़ से ही पहाड़ पर जाना पड़ेगा, नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं, वहाँ का व्यू दिखाते हैं। और इधर का व्यू तो काफ़ी प्यारा है ही मानसून के सीजन में। तो ये जो पर्वत है ये दो पार्ट में है, उधर एक पर्वत है और अभी जिस पर हम लोग खड़े हैं ये दूसरा पर्वत है। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण भगवान और राधा की मूर्ति है और इधर जैन धर्म का मंदिर है और धर्मशाला है। ऊपर आने के बाद चारों तरफ का जो व्यू है काफ़ी बेहतरीन है, देखने के लायक है। ऊपर आने के बाद सबसे दुखद चीज़ ये दिखाई देती है कि लोग जब जाते हैं तो गंदगी फैला देते हैं हर जगह, जो है चिप्स कुरकुरे पैकेट्स बोतल पानी की बोतलें काफ़ी सारी गंदगी जो है फैला देते हैं। इधर भी काफ़ी सारी गंदगी जो है फैली हुई है। जो नेचर होता है वो भी हमी से बनता है और नेचर हमें बनाता है, तो हम जहाँ भी जाएँ उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये एक जगह की बात नहीं, सभी जगह की बात है। लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर गंदगी फैला देते हैं, तो अगर आप लोग ऐसी जगह पर आते हैं जो कि नेचर से बनी हो, नेचर से ना भी बनी हो, तो किसी भी जगह पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यहाँ की खूबसूरती हमी से बनती है और हम ही लोग यहाँ की खूबसूरती को भी बिगाड़ देते हैं गंदगी फैला के। तो अगर आप भी ऐसा काम करते हैं कि अच्छी जगहों पर जा करके गंदगी फैला देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा काम मत किया करिए। शुक्ला भाई यहाँ फोटो शूट हो रहा है क्या? शुक्ला भाई, अरे फोटो शूट बहुत जरूरी है, जान पहचान हो रही है, सेलिब्रिटी हो रहे हैं यहाँ शुक्ला भाई हमारे, सर्कल बढ़ा रहे हैं, फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है इनका, जरूरी है। कौशाम्बी जिले में नए दोस्त फोटो ये एकदम जरूरी, जहर मारे है का हम हो आ जाए क्या, हम भी सेलिब्रिटी हो गए हैं क्या? सेलिब्रिटी यार। कुछ लोग घूमने के लिए आए हुए थे, ये लोग भी हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा है यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। लोकेशन कैसी है यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अच्छा, यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या लगा आपको? इस टाइम देखिए मौसम बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, बारिश का सीजन है, तो सीजन प्रयागी सही है, जो रास्ता बोलते हैं अनोन प्रयागी हो जाता है, और क्या, प्रयागराज से दूर निकले जहाँ घूम गए अनोन हो गए, क्यों लोग जान पहचान गए तो फिर नोन नोन हो गए, ऐसे होता है। कब आ भाई? और क्या, चलिए तो आप ब्लूटूथ क्या लगा, कमांडो वांडो भर्ती होना है क्या तुमको? डीलिंग हो रही है क्या? करोड़ों सोना कहाँ लदा तुम्हारा? अरे पहुंच गया जहाँ जाना, हम लोग लदने का सोच रहे हैं, पहुंचा दिए। लाइव अपडेट। तो अभी हम लोग चलते हैं इस वाले पहाड़ पर, काफी देर से हम लोग इस पहाड़ पर थे, फोटो शूट किए, काफी इंजॉय किए, कुछ सब्सक्राइबर्स नए ऐड हुए हैं, तो अब सामने वाले पहाड़ पर चढ़ते हैं। नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने का रास्ता कुछ इस तरह से, ऊपर जो है बड़े बड़े चट्टान हैं और चट्टान से नीचे आते इस तरह के जो छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं, मतलब किसी भी तरह का रास्ता जो क्लियर नहीं है, इस तरह का व्यू है पूरा, और हमें ऐसे नीचे उतर करके फिर ऊपर जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ कुछ व्यू इस तरह से दिखाई देता है, ऊपर एक पहाड़ी वहाँ पर है, उसके पीछे यमुना जी, और हम लोग दूसरी पहाड़ी के ऊपर हैं, और यहाँ की केव्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जो है गुफाएं हैं और पत्थर काफ़ी बड़े बड़े बाहर निकले हुए हैं। तो अभी यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है, चारों तरफ काले काले बादल घेर लिए हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, और बारिश का मौसम सुहाना भी होता है, थोड़ा सा
खराब भी होता है जहाँ पर कीचड़ होती है। और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है, बारिश के सीजन पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अभी 5:30 बज गया, हम लोग को अब निकलना है क्योंकि प्रयागराज से आने में 2 घंटे का टाइम लगता है, तो अभी 2 घंटे में जाने का भी टाइम लगेगा। तो अभी हम आपको चल रहे हैं और भी आगे का जो भी व्यू होगा बेस्ट वो दिखाएंगे, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो जल्दी में हैं हम लोग क्योंकि अब घर के लिए भी निकलना है, 2 घंटे घर पहुँचने में लगेंगे। और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है, और इधर जो है श्री प्रभासगिरी के चरण पादुका बनी हुई है, और चरण पादुका के जस्ट इधर जो है माउंटेन इधर ख़त्म होता है, पूरा प्लेन एरिया है, और इधर खेतीबाड़ी होती है, इधर गांव है, गांव के लोग इधर रहते हैं, और गांव में काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, जस्ट गांव के साइड में जो है यमुना जी हैं। तो इधर का व्यू कुछ और भी प्यारा है, और ये जो है यहाँ पर मंदिर है, सामने उधर मंदिर है, और ये जो है पूरा एक प्लेन एरिया बनाया गया बैठने बैठने के लिए, उस साइड से जो है सीढ़ी बनी हुई है नीचे जाने के लिए, तो चलते हैं नीचे। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, अब चल के आपको दिखाते हैं नीचे का व्यू क्या है, नीचे जो जैन मंदिर है वहाँ का व्यू क्या है, और फिर उसके बाद फिर और भी बेस्ट सीन यहाँ का क्या होता है, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा है, और वीडियो को लाइक कर देना। और नीचे आते ही कुछ व्यू यहाँ का इस तरह से दिखाई देता है, ये जो बड़ी बड़ी केव्स हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें गुफाएँ, उधर हमारा जो है दूसरा पर्वत दिखाई देता है, तो इस तरह का यहाँ का जो है व्यू है। ऊपर चढ़ने का रास्ता थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन नीचे उतरने का रास्ता काफ़ी ईजी है, काफ़ी जल्दी हम लोग इधर आधी दूरी तय कर लिए हैं, और आधी दूरी जो है हम लोग सीढ़ी से नहीं जाएंगे, नॉर्मल ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि सीढ़ी में काम चल रहा है, सीढ़ी बनाई जा रही है नई सीढ़ियाँ, तो आधी दूरी हम लोग नॉर्मल ट्रैक करेंगे और आधी दूरी जो है हम लोग सीढ़ी के द्वारा जो है नीचे आ गए हैं इधर से। शायद जब तक आप लोग आएँ तो कुछ दिनों में सीढ़ी वाला काम यहाँ का कम्प्लीट हो जाए, तो आप सीढ़ी से आ सकते हैं। और मंदिर का व्यू आपको दिखाते हैं, मंदिर का व्यू क्या है उसका, तो उधर जो है हिंदू धर्म के हिसाब से जो मंदिर है वो मंदिर उस पर्वत पर बना हुआ है, और इस पर्वत पर जैन धर्म के हिसाब से जो मंदिर होता है, जो उनकी आस्था श्रद्धा पूजा करने का जो स्थान होता है, वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ का भी कुछ इस तरह से, और काफ़ी दिनों से जैन धर्म के लोग यहाँ पर आते नहीं हैं, इस वजह से मंदिर बंद है। तो ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, और इधर से जो है रास्ता बना हुआ है, कहते हैं कि अब जैन लोग यहाँ पर कोई आता नहीं है तो इस वजह से ये मंदिर जो है बंद है। और ये देखिए यहाँ पर लॉक लगा हुआ है मंदिर के अंदर, और ऊपर का व्यू कुछ इस तरह का है, काफ़ी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और इधर भी चरण पादुका बनी हुई है, तो वहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, काफ़ी ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट उसके ऊपर छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब वो जैन धर्म के लोग जिस हिसाब से अपना मूर्ति कलाकृतियाँ बनाते थे वो सिस्टम है यहाँ का, और वो जो है ऊपर का पानी जो है नीचे यहाँ पर गिर रहा है, और यहाँ पर जो है चरण पादुका बनाई गई है, चरण पादुका से होते हुए पानी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर इस मंदिर का भी कुछ इस तरह से है, और मंदिर के बाद फिर ये जो सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी से हम नीचे जा सकते हैं, नीचे जाने के लिए जो एकदम सीढ़ी बन चुकी है, अभी आगे सीढ़ी थोड़ा बहुत बनाई जा रही है, तो हम लोग जो है थोड़ा साइड से जाएंगे, 2-4 दिन में सीढ़ी बन जाएगी, तो अगर आप लोग आते हैं तो सीढ़ी के द्वारा आ जा सकते हैं। तो यहाँ का व्यू कुछ इसी तरह का है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स आते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, और अगर आप प्रयागराज से हो तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करना।